खत्म। तो आज का क्या प्लान है? कुछ खास नहीं, तू बता क्या करना चाहता है? ड्रैग रेस हो जाए। कोई रेस करेगा आज? या आनंद, सो लेट्स गो, लेट्स ड्रैग। मॉर्निंग गौतम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अब कैसा लग रहा है? अब पहले से बेटर है। फाइन। हाथ कैसा है? थोड़ा सा दर्द है लेकिन ठीक है। आई हैव ए गुड न्यूज, अब तुम घर जा सकते हो। डॉक्टर। यस। मेरे साथ एक लड़की भी थी, वो कहाँ पर है? हे गौतम, डोंट वरी, ठीक है। बट इसकी आंखों को क्या हुआ डॉक्टर? तुम्हारा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, सॉरी, वो अब देख नहीं सकती। लेकिन डॉक्टर, इसने तो हेलमेट पहना हुआ था। इसकी वजह से जिंदा है, लेकिन आंखें नहीं बच पाई। हमने हर जगह रिक्वेस्ट भेजी है डोनेशन के लिए, हमें अब डोनर का इंतजार है। ये हमारी लिस्ट में टॉप पर है, अब हमें वेट करना होगा। तुमने मुझसे एक यादगार पल मांगा था और मैंने तुम्हें जिंदगी भर का दर्द दे दिया। आई एम सॉरी ईसा, इस गलती के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। Attention dear passengers of flight Air Lily. Isa? अरे आज हम यही रुकने वाले हैं, तो क्यों ना शाम को मिले? हम कहीं चलकर डिनर कर सकते हैं, क्या कहती हो? अभी अभी मेरी आंखों की रोशनी वापस आई है, मैं इस शहर को जी भर के देखना चाहती हूँ। तो पेरिस में मिले? ठीक है।
ईजा कॉफी पियोगी? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? पीटर। यस सर। वन कैपुचिनो प्लीज। गेटिंग सर। वो अब मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत चेहरे पर है। इस दुनिया को वो नई ऊंचाइयों से देख रही है। गौतम, पूरी दुनिया घूम रही है वो। लेकिन गौतम, इतना बड़ा फैसला तुमने मुझे बताए बगैर कैसे ले लिया? मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम बेहोश थी और किसी को पता भी नहीं था कि तुम कब उठोगी। मुझे तो लगा था कि तुम कभी उठोगी नहीं। गौतम स्टॉप इट। ईजा, मुझे रेडियो स्टेशन चलाने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है म्यूजिक की सबसे खास बात क्या है? एक अंधा भी उसके मजे ले सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से एयरलाइंस वाले बिना आंख वालों को पायलट नहीं रखते। ईजा, रो मत प्लीज। मैं नहीं रोऊंगी। सबसे खूबसूरत यादों में से एक जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, वो मेरी सबसे आखिरी याद बन चुकी है। तुम मुझसे प्यार करती हो ये कहना भी बस एक याद बनकर रह गया। तो ये सिंपथी, सहानुभूति, दया, इन चीजों को मैं नहीं मानता हूं। जब इन आंखों में मेरे लिए पहले जैसा ही प्यार होगा, तब मुझसे आकर मिलना, ठीक है? चलो भाई। यामिनी, तुमने ये सोच कैसे लिया कि सैक्रिफाइस क्या होता है, ये मैं नहीं जानता। मैं तुम्हारी आंखों में मेरे लिए पहले जैसा ही प्यार देखना चाहता। प्लीज वापस आ जाओ। अबे तू क्यों रो रहा है? यामिनी मुझे छोड़कर गई है, तू आंसू क्यों बहा रहा है बे? मैंने श्रीनु की पूरी कहानी पढ़ी, तब से अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा हूं यार। पापा ने भी पढ़ी और रीचा ने भी पढ़ी, दोनों के दिल को छू लिया इसने। मुझे तुम पर गर्व है यार। ये ले, पापा ने भेजा है तेरे लिए। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे तू राइटर है, सारी दुनिया के दर्द को अपने दिल में रखता है और उसे शब्दों में उतारता है। पियो, हंसो, रो और लिखते रहो। Just go for it. Just write. This is your moment. Go for it. ये रुक, ये ले पढ़ ले। ये क्या है? मेरी नई कहानी है, इसे भी पढ़ ले। मैं इसे लेकर जाता हूँ, मुझे डायरेक्टर से मिलने जाना है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। गौतम, एक बार यामिनी को फोन कर ले, वो वापस आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। मिस्टर गौतम। गौतम कहाँ है? वो आया नहीं? नहीं। गौतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां पर इंटरव्यू के लिए तुम्हें कब से बुला रहे हैं? चलो। यामिनी, मेरी बुक छप गई है। तुम्हारे लिए पहली कॉपी लाया हूँ। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। देखो तो फॉरवर्ड किसने लिखा हुआ है? प्रोफेसर श्रीवास्तव, IIM बैंगलोर। दिस इज अमेजिंग। यामिनी, हर किसी में कोई ना कोई छिपा हुआ टैलेंट होता है। मुझे लगता है कि राइटिंग मेरा टैलेंट है। ये जॉब के चक्कर में पढ़ के मैं राइटिंग नहीं छोड़ना चाहता हूँ यामिनी, इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता हूँ। क्या मैं एक बात बता सकती हूँ? ये बुक, ये वर्ड्स और नंबर्स के बारे में है ना? हाँ। तो 24 नंबर को गॉड का फेवरेट नंबर माना जाता है, इसीलिए दिन में भी 24 घंटे ही मिलते हैं। तो उन 24 घंटों में 8 घंटे काम करो, 8 घंटे सो और 8 घंटे लिखो। देखो, मेरी इस बात का प्लीज बुरा मत मानना,
अगर तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल बैकअप होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती, लेकिन खाली पेट तुम ठीक से लिख नहीं पाओगे गौतम। अपने लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए इंटरव्यू दे दो, इतना कर सकते हो मेरे लिए? ठीक है। जानती हो मैं इंटरव्यू देने क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मैंने तुमसे कहा। नहीं, क्योंकि तुमने मुझे मेरी मां की तरह समझा। पापा। हाय यामिनी। अब ये मेरा फ्रेंड है गौतम। हाय गौतम। हाय। हाय सर। बैठो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक्स पापा। हमारी ये कंपनी और इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद तुमने इतना बड़ा फैसला किया कि तुम एक मैनेजमेंट ट्रेनी बनोगी। ट्रू प्रोफेशनलिज्म। पापा, अब गौतम को भी अच्छा जॉब मिल गया है। ओह, कांग्रेट्स। क्या जॉब है? असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेल्स। कौन सी कंपनी? ग्लोबल टर्नल टेक्नोलॉजीज। एक्चुअली मैंने 2 साल तक सेल्स में काम किया था, इसके बाद तो बताओ यामिनी, अपनी दोस्तों को कहाँ पार्टी दे रही हो? 5 स्टार 7 स्टार या डेस्टिनेशन पार्टी? नहीं नहीं पापा, मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं करना, वो गौतम को मिलवाने लेकर आई थी आपसे। हाँ, तुमने अभी भी मिलवाया ना हम लोगों को। हमने शेक हैंड्स भी तो किए। वैसे नहीं पापा, वो इंट्रोड्यूस करवाना था। ओह, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस। क्या तुम जानते हो मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं सर, लेकिन आई एम एन ITI गाय। ITI के बारे में जानते हो? तुम्हारी पीढ़ी के बच्चे शायद नहीं जानते। ये एक ट्रेड जॉब है और मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिकल था। अगर किसी का बल्ब खराब हो जाए तो उसे ठीक करना, किसी का फैन ठीक करना, बिगड़ी मोटर ठीक करना। एक्चुअली मैं टेक्नोलॉजी के पीछे दीवाना था, उसी की बदौलत आज यहाँ पर हूँ। आज तुम सब लोग बहुत ही क्वालिफाइड हो, काफ़ी कुछ जानते हो, और तुम तो MBA हो। इतने साल पढ़ने लिखने के बाद तुम जैसे लड़कों का गोल क्या होता है? हाँ, एक अमीर लड़की को ढूंढना और उसको पटाना, उसके साथ शादी करना और उसके बाप की जायदाद का वारिस बन जाना, राइट? डैड, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? आप गौतम की नहीं मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। यू आर हर्टिंग मी। नहीं नहीं, इंसल्ट नहीं, बस हकीकत बता रहा हूँ। तुम्हारे इंसल्ट की मैंने मैं तो बस नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो आपको हम दोनों के फ्यूचर के बारे में क्या लगता है? फ्यूचर? किसका फ्यूचर? मेरा और गौतम का। हम दोनों का? मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। इट्स नॉट हैपनिंग। I'm so sorry, गौतम। मुझे नहीं पता था पापा तुमसे ऐसे बात करेंगे। कोई बात नहीं, अब क्या इरादा? दो ऑप्शंस हैं। पहला है भागकर शादी करना, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो मीडिया वाले पापा को बहुत परेशान करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी रिस्पेक्ट जाए। मैं भी ऐसा नहीं चाहूंगा। दूसरा रास्ता है लिव इन रिलेशनशिप। क्या उससे मीडिया को फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ हमारे बारे में होगा, वो हमारे लव के बारे में, हमारी डेटिंग के बारे में होगा, पापा की इमेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो लिव इन में रहते हैं गौतम, फिर पापा भी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। वो राजी हुए ही नहीं तो फिर हम ऐसे ही रहेंगे पूरी जिंदगी। अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो ठीक है। फोन नहीं उठा रहे, कब तक नहीं उठाएंगे?
गौतम। मैं जानता था तुम जरूर वापस आओगी। आओ, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ, बैठो बैठो। यामिनी, मैं बदल चुका हूँ। तुमने मुझसे कहा था ना कि बुक लिखूं। देखो, मैंने दो कहानियां लिख दी हैं। I love you, यामिनी। गौतम, गौतम। मैं खाना बनाने में, घर साफ करने में, हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। गौतम। यामिनी, तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मत छोड़ो गौतम। मुझे अकेला। गौतम, मैं शादी कर रही हूँ। तीन दिन में मेरी शादी है। सबसे पहला इनविटेशन कार्ड तुम्हें ही देने आई हूँ। मैं नहीं चाहती थी शादी की बात तुम्हें कहीं और से पता चले, इसीलिए सोचा खुद यहां कर बताऊं। I'm so sorry, गौतम। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। अभी जाओ और जाकर ये शादी कैंसिल करो। ये शादी नहीं हो सकती है। हमने कोशिश की तो थी गौतम, लेकिन हम साथ नहीं रह पा रहे हैं। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। हम 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं, 1.5 साल से साथ में रह रहे हैं, और तुम बोलती हो 3 दिन में शादी करोगी। पागल हो गई हो क्या? प्रॉब्लम इससे थी कि मैं लिखने रहा हूँ, पर अब तो मैं लिख रहा हूँ ना, तो क्यों जा रही हो तुम? पिछले 1.5 साल से मैं बस यही सुन रही हूँ गौतम, मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। तुम शादी नहीं कर सकती यामिनी। मैं शादी कर रही हूँ। यामिनी प्लीज, ये शादी मत करो तुम। प्लीज, ये शादी कैंसिल कर दो यामिनी। यामिनी प्लीज, यामिनी प्लीज, यामिनी प्लीज, यामिनी क्यों छोड़कर चली गई थी ना, तो ये शादी का कार्ड देने आने की क्या जरूरत थी? क्या सोचा था मैं ये सुनकर खुश होऊंगा? आशीर्वाद दूंगा तुम्हारी शादी के लिए। जाओ, किसी से भी शादी कर लो। यामिनी, मैंने सिर्फ तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया यामिनी, तुम्हारी आत्मा से किया, खुद से भी ज्यादा किया यामिनी।